नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर वाराणसी से है। गुरुवार को शरद पूर्णिमा पर हर हर गंगे की गूंज के बीच नमामि गंगे ने दशा मेघ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। जन जन को स्वच्छता से जुड़ने की अपील करके नमामि गंगे ने माँ गंगा की आरती उतारी। पॉलिथीन कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजा सामग्री के अवशेषों को गंगा के जल से बाहर निकाला गया। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। नमामि गंगे की टीम को देखो वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी टीम का साथ दिया। वहां उन्होंने मां गंगा की आरती उतार कर स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड अम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है मनुष्यों को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अर्थवराज पांडे ने गंगा सफाई के लिए एकजुट होकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आयोजन के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम ब्रांड अम्बेसडर राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे, महानगर संयोजक सह संयोजक तारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, रजनीश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।